अबोहर बस स्टैंड के निकट बने वाटरवर्क्स की पुरानी टैंकी का पानी ओवरफ्लो होने के कारण सीवरेज के कई चैम्बर जमीन में धस गए। इधर थ्री व्हीलर चालक रतन सिंह व अन्य लोगों ने बताया कि वाटरवर्क्स की सप्लाई वालों के लापरवाही के चलते हुआ है। इधर जानकारी देते हुए ऑपरेटर हरचंद सिंह ने बताया कि वाटरवर्क्स की टैंकी का पानी ओवरफ्लो होने के कारण पानी फैल गया है। जब उनसे पूछा गया कि सीवरेज के बने चैम्बर भी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है तो उन्होंने अपने सिर से निकालते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। की नाम की है जी अपना? मैं रतन शर्मा जी। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी इस तरह या पिछे पैप टूट गई है तो आज जरा सीवर इन्हें पैप पाई से वेखो पिछे थोड़े उतो लैके स्टेडियम तो लैके उतों तक सारी मिट्टी थले बह रही है एकदम किस तरह बह रही वेखो मतलब इतने कोई भी बिच धस सकता नुकसान हो सकता कोई भी इतने जिमें रिक्शा खड़िया रही इतने कोई बंदा इतने सीवरेज पैप के आ सकता है बहुत दिक्कत आ रही वेखो किस तरह नुकसान हो रहा इतने है जी पैप का जी पैप शायद वाटरवर्क्स की पैप है 7-8 फुट उच्चा पानी जा रहा है तो मतलब ये वेखो वो पिछे किस तरह पानी आ रहा भरया पै इधर आ भरया पै इधर वेखो तो लंघन टप्पण वालों रास्ते साढ़े सवारियों कि मुश्किल हो रहा इतने नाम की अपना रतन शर्मा जी हरचरण सिंह जी किस पोस्ट पर हो ऑपरेटर जी कहते काफ़ी अनगहली करके जरा सीवरेज भी काफ़ी खराब ये अनगहली नहीं सर जी पहला फोन मारा परले वार्ड वो अपने सप्लाई आँदी है वो फोन मारा फोन मिला जी उन्होंने जी दोबारा फोन मिलाया जो उदों चक्या ने बंद हो इन्हें पानी एक मिनट पानी पानी हो जाए सीवर कोई नहीं खराब होया जी जिस हिसाब से जो अभी देख रहे हैं पानी पुनी काफ़ी बाहर निकल रहा सीवर के निकल रहे सीवर नहीं गा जी ये पानी अपना टैंकी तो हो गया ओवरफ्लो हो गया।